मैं सिर्फ आपको इतना बताने आया हूँ कि जो लोग परेशान हैं सुपर टेट दे के कि सुपर टेट में क्या होगा, कैसे मार्क्स आएंगे, किसी का नाम गलत हो गया भरने में, किसी ने सरनेम नहीं लगाया है, तो ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ आ रही हैं। तो जिन्होंने सरनेम नहीं लगाया है या किसी का नाम भरने में गलत हो गया है, तो वो लोग क्या करेंगे कि एक हलफनामा बनवाना पड़ेगा आपको तहसील से। आप अपने तहसील से हलफनामा बनवा लीजिएगा, वही हलफनामा आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और मैं बात करना चाहूँगा गुड़ांग की, बहुत मारा मारी हो रही है गुड़ांग की। लोग बोलते हैं पेपर आउट हो गया है, तो ये रियल है कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी अगर पेपर आधे घंटे पहले मिल जाए तो उस आधे घंटे पेपर में वो 150 क्वेश्चंस नहीं रट सकता है ये। लेकिन कहीं ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग अपने साथ चिट लेके भी गए हैं, चिट से भी किया है, तो कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन कट ऑफ के बारे में बताया जाए, जो कट ऑफ लगी है 60 एंड 65, जनरल के लिए 65 एंड ओबीसी एससी के लिए 60, इससे नीचे जो लोग चाहते हैं कि कट ऑफ हो जाए, अगर कट ऑफ कर भी दिया जाएगा तो केवल फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका एकेडमिक गुणांक जो है वो ज़्यादा है। बाकी कट ऑफ को कम करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, सिर्फ एक संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ इस कट ऑफ कम किया गया है तो मुझे फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि जो ये मेरिट बनेगी मेरिट बेस के आधार पर होगा। इसमें आपका जो एकेडमिक है उसका 40% लिया जाएगा और 60% आपका इसका सुपर टैट के मार्क्स का लिया जाएगा। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, कट ऑफ डाउन होगा तो फ़ायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी एकेडमिक ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कट ऑफ जिनका हो जाएगा तो वो पास हो जाएंगे। तो कट ऑफ अगर थोड़ा हो भी जाता है, कम हो जाता है, अगर मान लीजिए 65 ना करके 60 कर दिया जाता है, तो एकेडमिक जिनका है उनको फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप लोग परेशान हैं, और गुणांक ज़्यादा जा रहा है जिनका, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कट ऑफ पेपर आउट हो गया है तो 110 105 वालों का नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखिएगा, 110 या जिसके मार्क्स हैं, 110 जिसके भी मार्क्स हैं, अगर उसका 22 23 गुणांक भी एकेडमिक बन रहा है तो 100% वो श्योर है उसकी जॉब लगनी है। तो आप परेशान मत होइए, 100 नंबर वाले भी अगर उनका गुणांक 23 24 है, उनका 100 नंबर है, उनकी भी जॉब लगनी है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग पास नहीं होंगे और वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो मैं यही चाहूँगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कुछ एनालिसिस नहीं किया जा सकता है कि कितने लोग पास हुए हैं। जो यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं कि इतने लोग पास हुए हैं, तो उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह से तो हम उसको बता नहीं सकते कि कितने लोग पास हुए हैं, 60,000 हुए हैं या 1 लाख लोग पास हुए या 1.5 लाख लोग पास हुए हैं। रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद, उससे पहले आज न्यूज़पेपर में निकला था कि एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया तो उसका पेपर ख़राब हो गया था। तो ये सब चीज़ें ना करें दोस्तों, ज़िंदगी में जीतना और हारना एक आम बात है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, हार जीत लगी रहती है, जीवन ही संघर्ष है, आप सब हमेशा लगे रहिए, ये मत सोचिए इस एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है, इसमें इस भर्ती में नहीं हो रहा है तो आगे भर्ती नहीं आएगी। अभी इसके बाद जनवरी के बाद इसमें अभी 70,000 वैकेंसी वाले फिर से आने वाली हैं, तो आप उसकी तैयारी कीजिए, TGT का एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी कीजिए, आप संघर्ष करिए, जीवन संघर्ष है, अगर आप संघर्ष करते हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप एक ना एक दिन निश्चित ही सफल होंगे। जो गलतियाँ हुई उन गलतियों को सुधारने का प्रयास कीजिए। और एक बात इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ, सब लोगों के लिए मैं बता दूँ कि सब लोग ये चाहते हैं कि एक किताब से पढ़कर किसी भी एग्ज़ाम में पास हो जाए। लोग बहुत सारे गर्ल्स ऐसी होती हैं, मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गर्ल्स होती हैं ऐसी कि वो चाहती हैं मुझे एक किताब दे दो मैं उसको रट लूँगा, मैं सफल हो जाऊँ। तो हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी एक किताब से पढ़ के कभी भी सफल नहीं हुआ जा सकता, ये आप रट लिख लीजिए। आप सोचो कि एक किताब से पढ़ के आप सफल हो जाओ तो कभी नहीं होगे। आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम, अगर कोई एग्ज़ाम आता है आपका, तो कम से कम उसके लिए कम से कम 4 किताबें, 3 4 किताबें उससे रिलेटेड ज़रूर रखिए आपने अपने पास में। 3 4 किताबें जब आप पढ़ेंगे तब उन 3 4 किताबों से ही आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। एक किताब से पढ़ने वाला कभी भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, ये गांठ बांध लीजिए।
बहुत लक की बात है कि या मैं तुक्का मार दिया तुक्के से हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक किताब से नहीं होगा, आपको एक से अधिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ये आप हमेशा याद रखिएगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग पास नहीं हुए हैं दोस्तों, वो निराश ना हों और अपने लाइफ के साथ में कभी कोई ऐसा काम ना करें, अनुचित काम ना करें जिससे उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। ज़िंदगी में हारना और जीतना लगा रहता है, संघर्ष करिए, जीत मिलेगी आपको। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।